सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एमसीडी में उपराज्यपाल के द्वारा 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट करने के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि एल्डरमैन को मनोनीत करने के लिए उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार का कहना है कि बिना उनके सलाह मशवरा के एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति की है और ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के फैसले के बाद एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता साफ हो पाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एल्डरमैन को लेकर चल रहे मौजूदा विवाद के लंबित रहने के चलते एमसीडी में अब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एल्डरमैन कहलाने वाले मनोनीत पार्षद भी वोट देते हैं। यहाँ ये भी बात गौर करने लायक है कि 5 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी बहुत ज़रूरी है।